चलिए आज हम क्या करते हैं, बीन स्कोप देखते हैं। क्या देखते हैं? बीन स्कोप। बीन स्कोप इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क, राइट। नाउ स्टार्ट अ बीन स्कोप इन अ स्प्रिंग फ्रेमवर्क, राइट। सो सबसे पहले भी हमारे पास क्वेश्चन क्या है? सो वी हैव अ क्वेश्चन इज व्हाट इज द बीन स्कोप, राइट। पहले आपको यह तो पता होना चाहिए कि बीन का स्कोप क्या होता है और उसकी जरूरत क्या है। इज इट क्लियर और नॉट? हेलो गाइस, राइट। सो वी कैन से बीन स्कोप इज अ टेक्निक, बीन स्कोप इज अ टेक्निक, बीन स्कोप इज अ टेक्निक इन अ स्प्रिंग फ्रेमवर्क विच डिसाइड दी विच डिसाइड लाइफ एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन टेक्निक ऑफ अ स्प्रिंग बीन, राइट। बेसिकली बीन स्कोप क्या होता है, ध्यान रखिए, बीन स्कोप एक स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर एक ऐसी टेक्निक है कि जहां पे आपके बीन का लाइफ क्या होगा और आपके बीन का ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाना चाहिए या बनना चाहिए, ये जहां पे डिसाइड किया जाता है हम उसे स्प्रिंग बीन स्कोप कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। एग्जाम्पल, सपोज फोर टू फोर्स, सपोज फोर्स टू स्प्रिंग टू प्रोड्यूस प्रोड्यूस न्यू बीन इंस्टेंस एवरी टाइम, राइट, इफ वी नीडेड, राइट। फोर्स टू स्प्रिंग टू प्रोड्यूस ए न्यू बीन इंस्टेंस एवरी टाइम इफ वी नीडेड, मतलब जैसे कि स्प्रिंग के अंदर हर एक स्प्रिंग बीन बाय डिफॉल्ट सिंगल टर्म होता है, मतलब हर एक बीन का ऑब्जेक्ट एक ही बार बनेगा। बट अगर आपको लगा कि हर बार बीन का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए तो आप ये भी स्कोप के अंदर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। या एग्जाम्पल और दूसरा देखते हैं, रिटर्न द सेम बीन रेफरेंस, रिटर्न द सेम बीन इंस्टेंस एवरी टाइम राइट इफ यू नीडेड, राइट। अगर आपको लगता है कि हर बार बिन का ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए, एक ही ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, हर बार हम उसे यूज कर सके, तो भी आप उसे यूज कर सकते हैं। यस और नो? सो दिस इज कॉल्ड एज स्प्रिंग बीन स्कोप। सो सम ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अ स्प्रिंग बीन इज हियर। कुछ बीन के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे प्लीज माइक्रोफोन, यस प्लीज, राइट। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्प्रिंग बीन इज हियर। उसके अंदर सबसे पहला है सिंगल टर्न, दूसरा होता है प्रोटोटाइप, राइट, जस्ट वन प्रोटोटाइप। उसके बाद में क्या है? रिक्वेस्ट। उसके बाद में क्या है? सेशन। प्रोटोटाइप है, रिक्वेस्ट है, सेशन है, और एक है ग्लोबल सेशन, राइट। दीज आर द सम स्प्रिंग बीन प्रोटोटाइप। सबसे पहला जो है सिंगल टन, ऐसे कहते हैं दिस इज द डिफॉल्ट, दिस इज द डिफॉल्ट बीन स्कोप इन अ स्प्रिंग, राइट। मीन्स बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग बीन क्लास, बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग बीन क्लास इज अ सिंगल टन क्लास, सिंगल टन क्लास मीन्स वी कैन नॉट क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट मोर देन वन टाइम इन अ सिंगल एप्लीकेशन, राइट। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर हम स्प्रिंग बीन की बात करते हैं तो ये सिंगल टन बीन होता है, मतलब आप एक ही बार उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या उसका ऑब्जेक्ट एक ही बार बनेगा पूरे के पूरे स्प्रिंग एप्लीकेशन के अंदर, राइट। सो सिंटैक्स, इसे आप सेट कैसे करेंगे? अगर आपको लगता है देने की जरूरत भी यहां पे लिखते हैं बीन आईडी इक्वल टू ऑफ आईडी नेम, क्लास इक्वल टू ऑफ ए क्लास नेम, और स्कोप इक्वल टू ऑफ ए, यहां पे आप ऐसे सिंगल टन, इस तरीके से आप मैनेज करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज योर बीन इज हियर। अगर आप यहां पे अगर आप आते हैं ये ड्राइव, चलिए हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो समझेगा आपको। यहां पे आप स्प्रिंग टू सूट्स एस टी एस
Yes. Just wait. ओपन हो रहा है, जस्ट वेट स्टूडेंट, ओपन हो जाएगा, जस्ट वेट। राइट, देन वी राइट फाइल नीव मैविन प्रोजेक्ट, वेट, यहां पे स्किप इट, देन अगेन नेक्स्ट, यहां पे हम आएंगे लिखेंगे org.techhub, राइट, जस्ट वेट, यहां पे स्प्रिंग बिन स्कोप ऐप, ऐसे लिखिए, स्प्रिंग बिन स्कोप ऐप इज हियर एंड फिनिश, जस्ट वेट। राइट, जस्ट वेट, स्प्रिंग बिन स्कोप ऐप किधर गया है देखिए। राइट, यहां पे आप आइए, जस्ट वेट। अरे यार नहीं, शायद दूसरा ओपन हो गया, यहां पे बन गया था ना प्रोजेक्ट, देखिए। हाँ, ये स्प्रिंग बिन स्कोप ऐप ये है। तो अभी हमें कौन से डिपेंडेंसीज लगेंगी, ये स्टूडेंट्स प्लीज बताइए। हमें दो डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेगी, स्प्रिंग कोर एंड स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, बराबर, यस और नॉट गाइस? डिपेंडेंसी, अब यहां पे आप आइए और यहां पे आएगा आपका स्प्रिंग कोर का एक डिपेंडेंसी आएगा, और यहां पे मैं अभी डाउनलोड नहीं करता हूं, दूसरे प्रोजेक्ट से उठाते हैं। आप इसे कॉपी कीजिए, इसे कॉपी करने के बाद अभी आपको यहां पे पेस्ट करना है, फिर फाइल को आप सेव ऑन करेंगे, फिनिश। राइट, जस्ट वेट। राइट, ये हो गया। चलिए अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले बीन बनाते हैं, यहां पे हम आएंगे और बीन बनाते हैं, राइट क्लिक हियर, जस्ट वेट, नीव अ पैकेज, यहां पे मैं लिखता हूं org.techhub, राइट क्लिक हियर, नीव अ क्लास, नीव अ क्लास, अभी मैं यहां पे टेस्ट लिखता हूं, फिनिश। जस्ट वेट, यहां पे हम टेस्ट लिखते हैं, जस्ट वेट गाइस। फिर हम यहां पे ऐसे लिखेंगे, पब्लिक टेस्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आई एम अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, आई एम अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फाइल को सेव ऑल कीजिए। अभी हमें इसका बीन लिखना पड़ेगा, तो आप रिसोर्सेस फोल्डर में आइए, राइट क्लिक करेंगे, नीव अदर, अदर में जाने के बाद एक्सएमएल लिखना पड़ेगा, हम इसे नाम देते हैं टेस्ट एक्सएमएल, नेक्स्ट, फिनिश। फिर आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या ऐड करना है, डॉक टाइप। तो डॉक टाइप कहाँ पे होता है आपको पता है, यहाँ पे आप आइए, एक्सएमएल के अंदर आप आइए, स्प्रिंग बीन्स डीटीडी के अंदर आप आएंगे, यहाँ पे अगर आप आते हैं, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है, आप इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट है, उसके बाद में फिर आपको लिखना है बीन्स, फिर आप यहाँ पे लिखिए बिन आई डी इक्वल टू पी, क्लास इक्वल टू, सॉरी, वर्ज डॉट टेकअप डॉट अटेस्ट, सिंपल है। फिर फाइल को आप सेव ऑल करेंगे, यहां पे आने के बाद ये हो गया है टेस्ट, आप इस तरीके से है, राइट। अभी देखिए, इट इज वेरी वेरी सिंपल। अभी आपको इसके लिए क्या करना है, क्लाइंट एप्लीकेशन, अभी स्कोप अगर आप नहीं मेंशन करेंगे तो ये सिंगल टर्म होता है, आप यहाँ पे आके स्कोप इक्वल टू लिखिए, सिंगल टर्म, यहाँ पे सिंगल टर्म इज हियर, दिस इज योर स्कोप इज हियर। फिर अभी आप यहाँ पे आइए, राइट क्लिक, नेम, यहाँ पे ऐसे टेस्ट एप्लीकेशन,
bin factory, BF equal to mu of XML bin factory of test dot XML. सॉरी ये गलत हुआ है, यहां पे ऐसे चाहिए रिसोर्स ऑफ आर न्यू ऑफ ए क्लास पाथ रिसोर्स और यहां पे चाहिए टेस्ट डॉट एक्सएमएल आपका टेस्ट डॉट एक्सएमएल और फिर आप यहां पे आर पास करेंगे। गलत हुआ मेरे से सिंटैक्टिकली थोड़ा सा। यहां पे आप देखिए अभी आप गेट पिन कीजिए टेस्ट ऑफ ए टी इक्वल टू टेस्ट बी एफ डॉट क्या लिखेंगे आप गेट बिन ऑफ ए टी लिखेंगे। अगर आपने यहां पे गेट बिन ऑफ ए टी लिखा है ध्यान रखिए, अगर आपने यहां पे हर बार गेट बिन ऑफ ए टी ही लिखा है फिर आप से ऑल कीजिए जस्ट वेट फाइल को आप क्या करेंगे से ऑल राइट क्लिक कीजिए रन एज जस्ट जस्ट वेट जस्ट वेट गाइस थोड़ा मशीन हैंग हो गया है। राइट क्लिक हियर रन एज जावा एप्लीकेशंस। देखिए कंस्ट्रक्टर आई एम अ डिफॉल्ट, आप गेट बिन को कितनी बार भी कॉल कीजिए एक ही बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। देखिए अगर कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल हो रहा है इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, अगर आपका कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अभी देखिए आप कितनी बार भी आप बिन को कॉल कीजिए अभी अभी यहां पर राइट क्लिक करके रन एज कीजिए जावा एप्लीकेशंस। आई एम अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, हालांकि तीन बार गेट बिन कॉल हुआ है बट कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल हुआ तो कंस्ट्रक्टर नॉर्मली कब कॉल होता है, जब हम क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब कॉल होता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ये आपका सिंगल डन बिन है। इज इट क्लियर यस और नॉट? इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक ही बार ऑब्जेक्ट बन रहा है, भले आपने तीन बार गेट बिन कॉल किया है बट आपकी मेमोरी में ऑब्जेक्ट कितनी बार बना, एक ही बार बना, और आप उसे यूज कितनी बार कर रहे हो, आप उसे मल्टीपल टाइम यूज करते हो, तो ये जो बिन होता है इसे कहते हैं सिंगलटन। इज इट क्लियर? अभी देखिए दूसरा जो अभी हमारे पास टाइप है प्रोटोटाइप। व्हाट इज द प्रोटोटाइप इज हियर, वी कैन से इफ यू डिक्लेयर द बिन स्कोप एज अ प्रोटोटाइप देन बिन कैन क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट, बिन कैन क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट एवरी टाइम। इफ यू डिक्लेयर द बिन स्कोप एज अ प्रोटोटाइप देन बिन कैन क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट एवरी टाइम। अगर आप बिन का स्कोप अगर आप प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं तो राइट बिन कैन क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट एवरी टाइम, हर बार बिन आपका बिन उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। बिन कैन क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट एवरी टाइम इज हियर, बिन कैन क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट एवरी टाइम राइट। इसको आप यूज कैसे करेंगे, बिन आईडी इक्वल टू ऑफ आईडी नेम, क्लास इक्वल टू ऑफ क्लास नेम, स्कोप इक्वल टू ऑफ आप लिखिए प्रोटोटाइप इज हियर स्लैश ऑफ। अगर आप यहाँ पे बिन को स्कोप को प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं तो व्हाट हैपन, ये प्रोटोटाइप अगर डिक्लेयर होगा तो ये हर बार ऑब्जेक्ट बनाएगा। जैसे अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर आप आके सिर्फ स्कोप आप बदलिए, यहाँ पे आप स्कोप को प्रोटोटाइप कीजिए प्रोटोटाइप, तो व्हाट हैपन इंटरनली, अगर आप आपका स्कोप प्रोटोटाइप करते हैं सो राइट क्लिक हियर रन एज सॉरी यहाँ पे नहीं यहाँ पे अभी गेट बिन कितनी बार कॉल किया है, तीन बार, तो यहाँ पे हर बार ऑब्जेक्ट बनेगा आपके क्लास का। ये होता है मतलब आपका कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होगा, आपका कंस्ट्रक्टर अभी तीन बार कॉल होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोटोटाइप बिन इज हियर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो, यहाँ पे अगर आप आते हैं रन एज जावा एप्लीकेशंस, देखिए जस्ट वेट स्टूडेंट, शायद कुछ प्रॉब्लम है, रन क्यों नहीं हो रहा है, जस्ट वेट, थोड़ा सिस्टम को प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट वेट गाइस। देखिए कितनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है आपका, हेलो स्टूडेंट्स, एक दो तीन, तीन बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, मतलब इनडायरेक्टली आपके क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बने हैं, तीन बने हैं, इसीलिए तीन बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो ये जो आपका स्कोप है इसे हम टेक्निकली कौन सा स्कोप कहते हैं, प्रोटोटाइप। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो गाइस प्लीज बताइए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हेलो स्टूडेंट्स प्लीज। राइट, ये जो स्कोप है आपका इसे आप प्रोटोटाइप कहते हैं।
उसके बाद में थर्ड, अब ये जो बाकी के जो है हम एमवीसी में देखेंगे, सिर्फ मैं थियोरेटिकली टाइप करके देता हूँ, राइट, समझाऊंगा प्रैक्टिकली बाद में ही. दिस बीन डेफिनेशन टू एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट, टू एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट ओनली वैलिड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब अवेयर स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट. अभी इसका मतलब क्या है मैं आपको एमवीसी में बताऊंगा, अभी नहीं. राइट, दूसरा है आपका सेशन. ये क्या करता है, दिस स्कोप ऑफ बीन डेफिनेशन टू एन एचटीटीपी, टू एन एचटीटीपी सेशन ओनली, एचटीटीपी सेशन ओनली वैलिड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब अवेयर, valid in the context of a web aware spring application context, spring application context. And last one is this global session, the scope of a bean, the scope of a bean definition to a global session http session only valid in the context of web aware spring application context. बट इसके जो यूजेस है मैं अभी नहीं समझा पाऊंगा आपको प्रैक्टिकली, हम बाद में देख लेते हैं. बट देखिए कैसे होगा कि आपको ये दोनों तो समझ में आ गया है कि सिंगल टन स्कोप क्या होता है, प्रोटोटाइप स्कोप क्या होता है, बेसिकली स्कोप का फायदा क्या है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो गाइज, प्लीज गिव मी फीडबैक. हेलो प्लीज, बाकी लोग समझ में आ रहा है सबको? Yes.